तो गाइस हमारे यहाँ पे ना बहुत तेज़ बादल आ गए हैं और मक्का वगैरह हमारी डली थी आंगन में, तो वो मैंने उठा के इकट्ठी कर ली है। ये देखिए अब ये वाली मक्का ना मुझे उस वाले ढेर पे पहुँचानी है, क्योंकि नहीं तो बारिश वगैरह आएगी तो यहाँ से ना बॉस वगैरह। तो मक्का ना मैं इकट्ठी कर दे रही हूँ, इसी से जल्दी हो जाती है। ये मक्का खींचने के लिए ही बनवाया था, और इससे ना जब मक्का का काम ख़त्म हो जाता है तो इससे गोबर वगैरह भी हटा देते हैं, ऐसे खींच के हाथ वगैरह नहीं लगाने पड़ते। तो मैंने मक्का ना देखिए ढेर पे लगा दी है, और बहुत मेहनत पड़ती है मक्का वगैरह ये सुखाना लगाना बहुत ज़्यादा, तो बार बार उठाना, कहीं बारिश आ रही है कहीं कुछ, मतलब जब तक मक्का का पूरा काम ख़त्म ना हो जाए तब तक मक्का का काम ही चलता रहता है। और ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी मक्का थी तो सारी मक्का देखिए मैंने कर दी है इकट्ठी, यानी कि एक ढेर बना दिया है। ये सूख भी गई थी, अगर नहीं उठाती तो बारिश में भीग जाती, तो इस वजह से ना मैंने इकट्ठी कर दी है। तो गाइस देखिए हमारी मक्का ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और बारिश की वजह से ना ये देखिए कितनी ज़्यादा काली पड़ गई है। और ये ना ऐसी तो बहुत सारी हो गई है मक्का, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस मैं ना मक्का वगैरह इकट्ठी करके आई ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, तो इस वजह से मैं चला रही हूँ पंखा। और आज के खाने में मैंने क्या बनाया है शाम के में वो आपको दिखाते हैं। तो आज के खाने में मैंने बनाई है मट्ठे की आलू, और इटावा की फेवरेट रेसिपी है मट्ठे के आलू। तो रोटियां अभी मैंने नहीं बनाई हैं, रोटियां मैं बनाऊंगी बाद में। और अभी खाने वाले भी लोग नहीं हैं कोई भी घर पे, तो सबसे पहले मैं करवा दे रही हूँ बच्चों का ट्यूशन और स्कूल का काम, यानी कि होमवर्क। और दिखाते हैं बाहर का मौसम, छत पे कितनी तेज़ बादल आया हुआ है ऊपर, चलते हैं दिखाते हैं। तो बहुत तेज़ बादल आया है, इस वजह से मुझे मक्का इकट्ठी करनी पड़ी और उसे ढकनी भी पड़ेगी, तो इस वजह से ना अभी वो सूख गई है। आज ना बहुत अच्छी धूप निकली थी तो बहुत ज़्यादा सूख गई है, और नहीं तो भीग जाएगी, इस वजह से मुझे उसे इकट्ठा करना पड़ा है। तो दिखाते हैं आपको ऊपर छत का नज़ारा। तो गाइस देखिए कितनी तेज़ बादल हैं और गड़गड़ा रहे हैं, यानी कि आज बारिश आने वाली है, तो इस वजह से मैं ना मक्का वगैरह इकट्ठी कर आई हूँ। और खेतों खेती वाले काम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है सच बताऊँ तो। मैं आ गई हूँ छत पर, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी नीचे, तो इस वजह से मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ ना हवा भी चल रही है और बादल भी है बहुत तेज, तो मैं ना बच्चों का यहाँ पे ही काम करवा दे रही हूँ। तो हमारे गमलों में देखिए कितने अच्छे से लौकी के और करेले उगाए हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखिए पपीता भी एक उगाया है, कितने अच्छे लग रहे हैं है ना। अब मैं ना यहाँ पे लकड़ी वगैरह लगा के और इसी जीने पे पौड़ा देंगे, और कितने सुंदर हमारे पौधे हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये तुलसी भी बहुत अच्छी हो गई है। और इस पे ना फूल भी आना स्टार्टिंग हो गए हैं गुड़हल पर। और ये पौधी ना पता नहीं कैसा हो गया है, बारिश की वजह से ना पूरा सूख गया है, अब इसमें नई किल्लियाँ आ रही हैं, इसे ना मैं किसी दूसरे वाले उसमें लगाएंगी मिट्टी भर के दोबारा से। इसमें ना ये टूट गया था मटका, तो इसी में मैंने लगाया था ये पौधी ना, तो इसमें क्या हुआ ये सूख गई है बहुत ज़्यादा, मैं दूसरे में किसी दूसरे बर्तन में लगाएंगी इसको। हमारे यहाँ पे ना बहुत तेज से बादल है, यानी कि बारिश हो सकती है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चों के लिए मैंने लंच में बनाए थे चावल फ्राई,
तो बच्चे ले गए हैं चावल। और अब मैं बनाने वाली हूँ बेसन की कढ़ी, यानी कि पकौड़ी वाली कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने भगोना रख दिया है गैस पर और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल हो रहा है गरम और इधर मैंने मठे में बेसन का पेस्ट बना लिया है और इधर तेल गरम हो रहा है तो मैं डाल दे रही हूँ हींग जीरा। और मेरे यहाँ पे ना पकौड़ी की कढ़ी सभी लोग पसंद करते हैं, यानी कि बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं बनाऊँगी आज पकौड़ी वाली कढ़ी। तो सरसों का तेल गरम हो गया है और मैं डाल दे रही हूँ हींग जीरा। हींग जीरा अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी। पकौड़ी की कढ़ी बनाते हैं तो मिर्च नहीं डालते। और पहले तो ना मैं अक्सर ये ऐसा करती थी कि हल्दी को पानी में घोल के डालती थी, तो आज मैंने ना ऐसे ही डाल दी है। और अब ये ना मैंने घोल बना के रखा। तो अब ना इसे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, ये एकदम फिक्सा हो जाएगा और ये खोलने लगेगी तभी हम इसे बंद करेंगे। और जब तक ये खोलेगी तब तक मैं ना थोड़ा सा बेसन पकौड़ियों के लिए भी पेस्ट बना के रख दे रही हूँ, जो अच्छे से फूल जाएगा तो उसकी ना पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो कढ़ी में मैंने मट्ठा को छान के लगाया था, इसमें ना बहुत सारी मलाई जैसी होती है ना, जो मटकी वाला दूध होता है ना अड़िया में गर्म होता है तो बहुत अच्छी सी मलाई पड़ती है, तो वही होती है ये। तो मैं ना इसमें छान के लगाई थी मट्ठा, इस वजह से इसमें एकदम अलग से ही ना दिखे, तो उस वजह से मैंने इसको ना छान के लगाया था। तो इधर कढ़ी भी खोलने लगी है और इधर मैंने बेसन का पेस्ट बना लिया है और इधर कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कम तेल क्यों डाला है, तो मैंने इसलिए इतना कम तेल डाला है क्योंकि ये कम तेल में अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और इनमें से ना पकौड़ियों में से पकौड़ियाँ निकलती हैं, आप लोगों को दिखाएंगे हम। जब पकौड़ियाँ निकलती हैं ना तो ये एकदम कढ़ी में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी ये जालीदार बनती है और इनमें कढ़ी है। और ये वाली ना पकौड़ियाँ एकदम बहुत अच्छी रहेंगी। और ये देखिए पकौड़ी में से पकौड़ी निकली है, कितनी बारी बारी सी हो गई हैं। अब इनको ना मैं पलट देंगे, और एकदम ये मुलायम बनी रहती है, ये एकदम ऐसी नहीं कि ठोस जैसी हो जाए। हम ना अक्सर ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो सारी पकौड़ियाँ हम फ्राई कर ले रही हूँ। तो पकौड़ियाँ मैंने सेक ली हैं, फ्राई कर ली हैं और ये देखिए एकदम डमरू की तरह पकौड़ियाँ फूली हैं, बहुत ही अच्छी देखिए और बहुत ही मुलायम भी है, एकदम कठोर नहीं है। और जो इतना तेल बचा हुआ है ना तो इसमें, तो इधर कढ़ी बन रही है तब तक मैं चावल वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ और इधर पड़े हुए हैं कुछ बर्तन तो बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो चावल मैंने रख दिए बनने के लिए और इधर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और इधर मैंने डाल दी है कढ़ी में पकौड़ियाँ। तो कढ़ी भी तैयार है और इसमें छौंक भी लगा दिया है मैंने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। छौंक लगाया है मैंने हींग जीरे और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का, तो जिस किसी को हरी मिर्च खानी होगी तो वो खा सकता है, नहीं तो निकाल के साइड में रख दे। तो बस कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है और ये देखिए पकौड़ियाँ कितनी अच्छी से फूली हैं। तो इधर बन चुकी है कढ़ी और इधर चावल भी बन गए हैं और इधर रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध की बनाएंगे हम पनीर।
और अब आ गया है नंबर रोटियों का, तो अब मैं आटा लगा ले रही हूँ रोटियों के लिए। और आज ना मैंने मटकी में दूध नहीं रखा है, क्योंकि आज मुझे बनानी है दूध की पनीर, तो रोटियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो रोटियाँ मैंने बना ली है और इधर दूध भी गर्म हो गया है, तो अब कर दे रही हूँ अपनी किचन की सफाई। तो सारे कामकाज से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अब आ गया है नंबर खाना खाने का। तो आज का ब्लॉग मैं आप ही कर रही हूँ एंड। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।